देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है। इस पैरोल को लेकर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने एतराज जताया है। अंशुल छत्रपति का कहना है कि सरकार वोट तंत्र के लिए डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग करती रही है। साथ ही अंशुल छत्रपति ने कहा कि डेरा प्रमुख के बाहर आने से अंडर ट्रायल केस के गवाहों पर भी इसका असर पड़ सकता है और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो दी गई थी। इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल डेरा प्रमुख को मिली थी और अब 40 दिन की पैरोल डेरा प्रमुख को फिर से दे दी गई है। दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल दिए जाने को एक राजनीतिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, वोट तंत्र के लिए डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग किया जाता रहा है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि डेरा प्रमुख के बाहर आने से जिन हत्या और बलात्कार के केस में वो सजा काट रहा है, उनके पीड़ितों को भी जान के खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। वहीं जो केस अभी डेरा प्रमुख के खिलाफ अंडर ट्रायल है, उनके गवाहों को भी जान का खतरा बना हुआ है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि जब तक डेरा प्रमुख को सजा नहीं हुई थी, तब तक दूसरे केस में गवाह खुलकर जांच एजेंसी के सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख सजा हुई, उसके बाद दूसरे केसों में गवाह खुलकर जांच एजेंसियों के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के बाहर आने पर अंडर ट्रायल केस के उन गवाहों को खतरा हो सकता है, वे गवाही से भी वो कर सकते हैं। साथ ही अंशुल छत्रपति ने कहा कि उनके पिता की हत्या में जो लोग शामिल थे, साजिशकर्ता थे, ये सब गवाहियों में दर्ज है। इसमें शूटर निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह शामिल हैं। उनको अंबाला की जेल से रोहतक की सुनारिया जेल में डेरा प्रमुख की सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अंशुल ने कहा कि ये कहीं ना कहीं फिर से साजिश घड़ने की तरफ इशारा किया जा रहा है। अंशुल छत्रपति ने इस मामले में सरकार की नियत में खोट बताते हुए इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही है। सिरसा से हमारे संवाददाता दिनेश घनघस की रिपोर्ट। ये बिल्कुल एक राजनीतिक फैसला है। राजसत्ता में बैठे लोग हमेशा से ही वोट तंत्र के लिए जिस तरीके की गतिविधियां करते रहते हैं, तो ये पहली बार नहीं है। लगातार पिछले कई सालों से, जब से हम लोग डेरा प्रमुख के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तब से ही देख रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सत्ता में हो, सेंटर में हो, सभी का ही इसी तरीके का व्यवहार रहा है। पंजाब हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हमेशा यही व्यवहार रहा है कि राजसत्ता के लिए वो वोट तंत्र के लिए हमेशा डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग करती रही हैं, और यही अब भी हो रहा है। चाहे वो एक बलात्कारी साबित हो चुका है, हत्यारा साबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राजसत्ता जो है वो अपनी वोट का लालच जो है वो त्याग नहीं पा रही हैं, और एक बलात्कारी को, हत्यारे को जिस तरीके से सलाखों से बाहर ला करके, और जो मामले अंडर ट्रायल हैं उनके लिए जिस तरीके से एक ख़तरा पैदा किया जाता है, तो ये एक चिंता का विषय है। और राजनीतिक लोगों का, मतलब चेहरा, जो घिनौना चेहरा है, वो उजागर हो रहा है लोगों के सामने। देखिए, ये कुछ मामले अभी अंडर ट्रायल हैं, और जिन मामलों में सज़ा हो चुकी है, उनके पीड़ितों के ज़ख्मों पे जिस तरीके से नमक छिड़का जाता है, और पीड़ित लड़कियां जो हैं, साध्वियां, जिनकी गवाही पे इसको सज़ा सुनाई गई, रेप विक्टिम जो है, तो वो आज तक अंडरग्राउंड हैं, उनकी लाइफ को थ्रेट है। एक तो मतलब इसके बाहर आने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा जो मामला अंडर ट्रायल है, जैसे कि 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला अभी पंचकुला की अदालत के सामने विचाराधीन है, उस मामले में आप ये देखिए कि 2017 तक कोई भी गवाही जो है वो एजेंसी के सामने, ज़्यादा ठोस गवाहियां नहीं आ पाई थी, लेकिन जैसे ही, क्योंकि गवाहों के ऊपर एक टेरर था, थ्रेट था उनको, जैसे ही 2017 में वर्डिक्ट आया और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सज़ा सुनाई गई, उसको सुनारिया जेल में भेज दिया गया, उसके बाद उस मामले में एजेंसी के हाथों ठोस गवाही लगी और उन्होंने चार्जशीट फाइल किया पंचकुला कोर्ट में, मामला अंडर ट्रायल है, तो ये एक ख़तरा भी है कि डेरा प्रमुख के बाहर आने से उस मामले को दोबारा से, उसमें गवाहों को खतरा हो सकता है, गवाह अपनी बात से मुकर सकते हैं, उस मामले में कहीं ना कहीं दोबारा दिक्कत आ सकती है।
दूसरी बात ये कि जो लोग साजिश करता थे, जिन्होंने पहले भी हत्याओं का प्लानिंग की, मर्डर्स की प्लानिंग की, मेरे फादर पत्रकार छत्रपति के मर्डर केस में जो लोग कॉन्स्पिरेटर थे डेरा प्रमुख के साथ और जो शूटर्स थे, तो वो सारी साजिश जो है वो गवाहियों में दर्ज है कि कौन कौन लोग थे उसमें उन्होंने साजिश की। निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह जो शूटर्स थे, अभी एक हैरानीजनक तथ्य सामने आया है कि निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह शूटर्स पहले अंबाला जेल में बंद थे, उनको अब सुनारिया में शिफ्ट किया जा रहा है। वो कुलदीप सिंह को किया जा चुका था जब ये तथ्य मेरे सामने आए थे, निर्मल सिंह को किया जाना था, निर्मल सिंह को अंबाला से झज्जर शिफ्ट कर दिया गया था और सुनारिया में शिफ्ट किया जाना था, तो सेम उसी सेल में भेजा गया उनको जहां डेरा प्रमुख रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से फिर वही तिकड़म भिड़ाई जा रही है कि कैसे जो डेरा प्रमुख के साथ साजिश करता थे उनको फिर उसी सेल में आप लोग भेज करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों फिर से कोई ना कोई और किस साजिश घड़ने की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, क्यों मतलब जेल अथॉरिटीज़ को इसके लिए बाध्य किया जा रहा है, क्यों वही कैदी जो डेरा प्रमुख के साथ साजिश में शामिल थे उनको फिर से सुनारिया भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में मैल है, खोट है, हम इसका विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे सामने ये तथ्य बिल्कुल कम्प्लीटली जाहिर होंगे हम इसका हाई कोर्ट में भी विरोध करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।